हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से 2024 में देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो है कि बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल है कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं वो कैसे रहेंगे, कितने रहेंगे 2024 में एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव जो होगा कितना रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 2024 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उसमें 10वीं का ख़त्म कर दिया गया है, मतलब 10वीं का एग्ज़ाम नहीं होगा अब। तो क्या बिहार बोर्ड 10वीं का एग्ज़ाम लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो पहले बात को ये कन्फर्म हो जाइए कि 2024 में जो आपका 10th का एग्ज़ाम होगा वो आपके होगा ही होगा बिहार बोर्ड का, ठीक। ये मन में भरम मत रखिए कि 10 का एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके 10 का एग्ज़ाम होगा, पहला बात कन्फर्म हुआ। दूसरा बात रहा कि ऑब्जेक्टिव जो है 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, इंटर का एग्ज़ाम दोगे या आप 10th का एग्ज़ाम दोगे, दोनों के लिए, मतलब कि 10th और 12th दोनों के लिए, मैं बता दूं कि आपके प्रश्नों की संख्या जो होगा उसमें से आधा प्रश्न जो होगा आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आधा आपके सब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का पूरा टोटल नंबर कितना नंबर का है, 100 नंबर का है, तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। अब इसमें रहा कि आप पूछेंगे, आप सोचेंगे कि 50 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो इसी नंबर में जो होगा इसके छूट कितना रहेगा प्रश्न आपके, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव, है ना। यानी 100 नंबर का पेपर आपका है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, है ना। तो अब इसमें कहा होगा जो ऑब्जेक्टिव जो होगा 1 नंबर का होता है तो 50 प्रश्न हुआ ना, तो इसका डबल रहेगा, है ना। डबल मतलब इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें से किन्हीं आपको 50 को ही सॉल्व करना है। और यहाँ बात करते हैं कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव लिखने वाला जो प्रश्न होता है वो भी आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे, मतलब कि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें से किन्हीं आपको आधे प्रश्न को बनाएंगे तो आपका 50 नंबर का वो आपका हो जाएगा। तो ये हमारा 100 नंबर के पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर के सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिनमें से किसी आधे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें आपके कम होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 10th में साइंस है और SST है, साइंस और SST में आपके क्या होगा, आपके प्रैक्टिकल होता है तो आपके ये साइंस जो होगा इसमें 20 नंबर का आपका हो जाएगा, आपके हो जाएगा यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक। तो 20-20 नंबर का हो गया, तो साइंस पूरा 100 नंबर का होता है तो साइंस में अब 20 नंबर का तो ये हो गया, तो साइंस और SST कितना नंबर का पेपर होंगे आपके, तो 80-80 नंबर का पेपर होंगे, ये कितना का होंगे आपके, 80-80 नंबर का पेपर होंगे। तो 80 नंबर में क्या होगा कि 80 नंबर में 40 नंबर का आपके पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और 40 को पूछा जाएगा सब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव कुल कौन नंबर के, 40 नंबर के, और 40 नंबर के सब्जेक्टिव, है ना। अब इसमें प्रश्नों की संख्या डबल रहेगा, मतलब कि आपके 40 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है ना वो उसमें आपको पूछा जाएगा 80 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 को में से आपको किसी आपको 40 को बनाना है, और सब्जेक्टिव जो 40 नंबर के है उसमें से आपको पूछा जाएगा कितना, आपके 80 नंबर के कुल प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड, उसमें से आपको किसी 40 नंबर को बनाना है, मतलब कि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपके प्रश्नों की संख्या डबल रहेगा, वो मैट्रिक हो चाहे इंटर, मैट्रिक इंटर दोनों में क्या होंगे, प्रश्नों की संख्या डबल रहेंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया, है ना। तो आप 10th का एग्ज़ाम दो या आपके 12th का एग्ज़ाम दो, मैट्रिक इंटर दोनों के लिए ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बिहार बोर्ड इस बार भी आपके 2024 के एग्ज़ाम में भी आपके प्रश्नों की संख्या डबल रख रहा है, और ऑब्जेक्टिव आपका 50% रहेगा और सब्जेक्टिव आपका 50% रहेगा, ठीक है। अब रही बात कि तैयारी कैसे करें 10th वाले और 12th वाले, है ना। देखो 12th हो, अब जैसे कि इंटर वाले बोलेंगे कि इंटर वाला हमको कम बताए हैं, देखिए इंटर वाले जो भी होंगे, जो साइंस से लिए होंगे उसका मैथ होगा या बायो होगा, मैथ है ना, बायो जो भी होगा, तो उनका जितना भी होगा उसमें आपके 50% आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50% रहेगा आपका सब्जेक्टिव। अब मान लो कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं 33 नंबर का, है ना। तो 100 नंबर का होता है बायोलॉजी और कौची फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री, है ना, 100-100 नंबर का होता है, तो 33 नंबर आपके निकल जाएंगे किसका, प्रैक्टिकल का निकल जाएंगे 33 नंबर, है ना। तो कितना बच जाएंगे, 70-70 नंबर का आपका पेपर होगा, मतलब कि बायोलॉजी होगा 70 नंबर का और भौतिकी होगा 70 नंबर का, केमिस्ट्री होगा 70 नंबर का, है ना।
अब देखो, और मैथ तो आपका 100 नंबर का रहेगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसमें जो भी आपके जितना नंबर का पेपर होगा उतना नंबर का जितना पेपर होगा उससे आधवा रहेगा ऑब्जेक्टिव, आधवा रहेगा सब्जेक्टिव। जैसे कि इसमें मैथ में देखो, मैथ में आपके 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव रहेगा। आपके ये तीनों में 70 नंबर के हैं ना, तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का आपके सब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना। अब इसमें प्रश्नों की संख्या डबल रहेगा, मतलब कि 35 नंबर का जो होगा ना उसमें आपके, तो देखा जाए तो ये कितना नंबर के पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपके 70 नंबर के, बना कितना है किसी आधे का। मान लीजिए कि आपके 10 प्रश्नों को मिला करके 35 नंबर दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कितना प्रश्न, 20 को प्रश्न पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं आपके आधे को हल करना है। वैसा ही यहाँ सब्जेक्टिव में होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि कोई भी पेपर आपको होगा उसमें से आधे होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इंटर वाले में जो मैथ लिए होंगे, जिनका मैथ मेन होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, उसके बाद हिंदी होगा। ऐसे ही आपके आर्ट वाला की होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में कॉमन रहते हैं, आर्ट वाला साइंस वाला चाहे आपके कॉमर्स वाला, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कॉमन। ये आपके 100 नंबर का पेपर होगा, ये भी आपके 100 नंबर का पेपर होगा। ये तो आपके फिक्स हो गया, ये आपका फिक्स हो गया है ना। और जो साइंस लिए हैं उनका फिजिक्स फिक्स हो गया और केमिस्ट्री फिक्स हो गया। अब देखो जो मैथ लिए हैं, मेन मैथ उनका है, तो उनका 100 नंबर का पेपर होगा। बायोलॉजी लिए हैं, उनका 70 नंबर का होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होगा। टेंथ वाले क्या होंगे, टेंथ वालों को बताइए दिए हम कि मैथ आपके 100 नंबर का होगा, साइंस आपके 100 सॉरी मैथ आपके 100 नंबर के, संस्कृत आपके 100 नंबर के, हिंदी आपके 100 नंबर के, है ना। और SST और साइंस आपका कौन नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। 20 नंबर का आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल आपके, तो 20 नंबर में से आपको मतलब कि जितना स्कूल वाले दें मैक्सिमम आपके 17-18 नंबर 19 नंबर तक मिल जाता है। SST आपका होगा 80 नंबर का पेपर होगा। और एक आपका होगा इंग्लिश, आपका 100 नंबर का होगा, जो कि इसका नंबर आपके मेन रिजल्ट में आपको नहीं ड्रॉ आ जाएगा, है ना। मतलब कि जो रिजल्ट बनेगा आपको ही पाँच ही से बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है और आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो आप लोग तैयारी कीजिए बढ़िया से। अब रही बात क्लास टेंथ वाला कैसे तैयारी करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी से आप लोग NCERT बुक पढ़ रहे होंगे कोचिंग में, तो प्रयास कीजिएगा कि जो भी बुक पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपका पढ़ाई हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को अभी से आप लोग कीजिए क्लियर। नहीं तो बाद में बहुत बोझ हो जाता है, लास्ट में एग्जाम में जाएंगे तो बहुत बोझ हो जाता है। लड़का सोचता है कि हई पढ़े कि हई पढ़े, गेस पेपर गेस पढ़ें कि क्वेश्चन बैक पढ़ें कि क्या पढ़ें कि सर लिखवाए हैं उससे पढ़ें। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीका कि जो भी आपकी कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाई, मान लीजिए कि पढ़ाई आपके हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गया, तो अब इसके बाद जो भी पढ़ाई हो गया उस टॉपिक को आप लोग को पढ़ते रहना है, है ना। देखिए एक बार सोचेंगे कि पूरा याद हो जाए तो कभी याद नहीं हो सकता है, एक बार किसी से याद भी नहीं होता है। आप बार बार देखेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। आप सोचेंगे कि एक बार हम याद कर लेंगे और फिर आपको आप दो महीना देखें नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। बार बार देखते रहना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मैथ है, तो मैथ ऐसा चीज़ है कि उसको प्रैक्टिस करने में, बहुत बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, उनके लिए भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए मैथ और साइंस को, तो घबराना नहीं है। और ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी कराएंगे। देखिए टेंथ वाले जो मैथ है, तो मैथ को आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिस मतलब हो गया कि जो आपके क्वेश्चन में पढ़ाई हुआ है उसको आकर के घर पर आकर बनाना है। मान लीजिए कि आपके AP पढ़ाई हुआ, चाहे त्रिकोणमिति पढ़ाई हुआ, तो मान लीजिए कि सर बता दिया आपको 5 क्वेश्चन, है ना। तो बनाते गए फिर आगे अगला चैप्टर आपको पढ़ाई हुआ वो पढ़ाते गए, तो मान लीजिए कि पढ़ाई आपके आगे हो रहा है, तो जो पीछे पढ़ लिए हैं उसको आप लोग घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करते रहना है, बनाते रहना है, तभी आपके हो सकता है। नहीं तो आप एग्जाम आते हैं तो भूल जाएंगे। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि पढ़ाई होता है ये मैथ का हो गया, और मान लो कि आपके साइंस का हो गया, विज्ञान के हो गया, है ना, SST हो गया। अधिकांश कोचिंग में खाली मैथ साइंस को पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर जो टॉपर बनना है, बढ़िया रिजल्ट लेके आना है, तो सभी सब्जेक्ट को आप लोगों को एवरेज पढ़ना पड़ेगा। एवरेज मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सभी सब्जेक्ट पर आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। आपको साइंस पढ़ाई हो रहा है, SST पढ़ाई हो रहा है, संस्कृत पढ़ाई हो रहा है, हिंदी पढ़ाई हो रहा है, तब करना क्या है कि मान लीजिए कि जो भी आपके साइंस में पढ़ाई हो रहा है, तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं फेयर करते हैं, तो बहुत बच्चे लोग का एक पार्ट दो पार्ट छूट गया है और सोच रहे हैं कि बाद में फेयर करेंगे। अब पढ़ाई होते जा रहा है और इतना बोझा हो गया, लास्ट में फेयर करने में ही टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को जो फेयर बनाए हुए हैं, मान लीजिए साइंस में बनाए हुए, भौतिकी का और फिजिक्स का फेयर बनाए हुए हैं, तो उसी में फेयर में ही आप कोचिंग में प्रयास कीजिए, कोचिंग में ही हमारा मेन टॉपिक फेयर में ही बन जाए,
ताकि मेरे पास समय बचे, ठीक है। या आपको लगता है कि हमें मैनेज कर लूँगा, आज पढ़ाई हो रहा है, रफ में हम पढ़ लिया, घर पर जा करके रोज़ हम रफ अपने फेयर में हम कर ले रहे हैं, आप रोज़ कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो लिखना नहीं चाहता है तो उस कॉपी को ही ले जा करके वहाँ फेयर कर सकता है, वहीं पर बना सकता है, तो टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आपको पढ़ना है। तो अब देखो क्या करना है, करना क्या है कि आपको विज्ञान एसएससी जाए जो कुछ भी है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को प्रयास कीजिए कि कम से कम आपको उसको याद कीजिए, याद कर लिए एक बार याद कर लिए है ना, मान लीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम याद कर रहे हैं, याद कर लिए, याद करके अब काम कीजिए कि उसे मान लीजिए कि एक बार में पांच टॉपिक याद किए तो पांच टॉपिक याद किए तो पांचों टॉपिक को बिना देखे हुए दूसरे कॉपी पर लिखिए, रफ पर लिखिए, ठीक है, और देखिए कितना आप लिख पा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जो याद किए हुए हैं तो याद करने के जो दिमाग का जो क्षमता हुई आपको मालूम चल जाएगा, और आपको लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, और लिखना भी एक कला है क्योंकि आपको 3 घंटा बैठ के एग्जाम में लिखना है आपको, तो लिखना के भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने लोगों को तो आधा घंटा में लगातार लिखवाने पर हाथ दुख जाता है, इसलिए आप लिखेंगे तो आपका राइटिंग भी सुधरेगा, लिखने का स्किल भी बढ़ेगा और लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा, और आपके जो याद किए हों आपको टॉपिक भी आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी करेंगे, है ना। तो ये वीडियो आपके मुख्य रूप से था कि आपको 2024 में आपका ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा और सब्जेक्टिव कितना रहेगा, इसको बताने के लिए था। तो इस वीडियो में आप जान गए कि ऑब्जेक्टिव आपका कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। अगर आपको कमेंट आएगा तो अगले वीडियो में बताएंगे हम कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन टॉपिक महत्वपूर्ण है, किसे किसे पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, इसको बताएंगे। तो अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो इस पर आए तो वीडियो में लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हाँ अगला वीडियो आप इस पर आना चाहिए, तो अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।